हाथी से दोस्ती। बहुत पुरानी कहानी है। एक जंगल में एक हाथी मुझसे कौन दोस्ती करेगा ये सोचते हुए टहल रहा था। उसे पेड़ पर एक बंदर दिखा। हाथी ने कहा, बंदर भैया, आप मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर ने कहा, आप तो बहुत बड़े हो, तुम मेरे जैसे पेड़ पे लटक भी नहीं सकते, तुम्हारी और मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? दूसरे दिन उसे एक खरगोश मिला। क्यों खरगोश भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? आप तो बहुत बड़े हो, आप मेरे छोटे से घर में कैसे घुस सकते हैं? आपकी और मेरी दोस्ती तो हो ही नहीं सकती। हाथी अब मेंढक के पास गया। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है मेंढक भैया, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। अरे वाह, अच्छी जबरदस्ती है, तुम इतने बड़े मैं इतना छोटा, कुछ तो सोचो, हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है भला? तुम मेरे जैसे कूद भी तो नहीं सकते हो ना, जाओ भाई किसी और से पूछ लो। अचानक उसे एक लोमड़ी मिली। हाथी ने उससे रोका और कहा, भैया सुनो ना, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? देखो ना मत कहना, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ बनोगे ना मेरे दोस्त? नहीं रे बाबा, अरे तुम्हारा आकार तो देखो, गलती से भी मैं तुम्हारे पैर के नीचे आ गया तो मेरी चटनी बन जाएगी। नहीं बाबा, तुम कोई और देख लो। कमाल है, कोई मेरा दोस्त बनना ही नहीं चाहता। दूसरे दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सारे जानवर तेजी से भाग रहे थे। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ, सब ऐसे भाग क्यों रहे हो? हाथी भाई, पीछे शेर है और वो सबको खाने वाला है, इसीलिए सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं। शेर तो हाथ धो के सब जानवरों के पीछे पड़ गया था। श्रीमान, आखिर क्यों आप सब जानवरों के पीछे पड़े हो? सब जानवरों को एक ही दिन में खा जाओगे क्या? अरे जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मैं जो चाहे वो करूंगा। अब हाथी को समझ में आया कि इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाथी ने शेर को जोर से लात मारी। शेर बहुत ही डर गया था, वो वहां से तुरंत भाग गया। हाथी ने जब सभी को ये खुशखबरी सुनाई तब सारे जानवर बहुत खुश हो गए। सभी ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और बोले, हमारा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा आकार बिल्कुल सही है। सच्चा दोस्त वही जो संकट में काम आए। चींटी और कबूतर। एक बड़े से जंगल में एक चींटी पेड़ पर से तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उस चींटी को तालाब में डूबते हुए देख लिया था। उसने पेड़ का एक पत्ता तोड़ लिया और उसने पत्ते को चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और शुक्रगुजार होकर कबूतर से धन्यवाद कहा। वो बहुत थक गई थी। कुछ हफ्तों बाद एक शिकारी उस जंगल में आया। शिकारी का तो काम ही है शिकार करना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर जाल बिछाया और फिर पक्षियों के जाल में फंसने की राह देखने लगा। वो चींटी जाल के पास से ही गुजर रही थी। उसने शिकारी की सब तैयारी देख ली थी। उसने देखा कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी वो धीरे धीरे जाल में फंसने के लिए नीचे आ रहा था। उस चींटी ने आगे जाकर
उस शिकारी के पैर को इतनी जोर से काटा कि वो शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, आ, आ, हे भगवान, मर गया। कबूतर ने देखा कि वो आवाज कहां से आ रही थी और उस शिकारी को देखकर उसे सब समझ में आ गया और वो दूसरी दिशा की ओर उड़ने लगा और उसकी जान बच गई और चींटी भी वहां से निकल गई। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कामों का फल अच्छा ही मिलता है। गधे की सवारी। एक आदमी और उसका बेटा दूर के शहर के एक मेले से एक गधा खरीदकर अपनी घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को बोलते हुए सुना, अरे देखो उन मूर्खों को, गधा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। दोनों ने सोचा कि ये तो सही बात है और दोनों गधे पर बैठकर जाने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने और एक आवाज सुनी, अरे देखो देखो उस गरीब गधे को, ये दोनों हट्टे कट्टे उस बेचारे को परेशान कर रहे हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। उस आदमी को गधे पर तरस आया और वो गधे पर से नीचे उतरा। थोड़ी देर बाद एक खेत से गुजरते हुए उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी, इस लड़के को कुछ शर्म है या नहीं, बेचारा बूढ़ा पैदल चल रहा है और ये लड़का गधे पे बैठ के मजे ले रहा है। अगर वो पैदल चलता और पिताजी को गधे पे बिठाता तो ठीक होता। अब बेटा नीचे उतरा और उसने अपने पिताजी को गधे पर बिठा दिया। वो अपने गांव तक पहुंचे ही थे तभी पास से गुजरता एक आदमी बोला, ये तो हद हो गई, इतना स्वार्थी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो आराम से गधे पर बैठा है और अपने बेटे को पैदल चलने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर क्या, उन दोनों ने उस गधे को लाठी से उल्टा लटका कर अपने कंधों पे उठा लिया और अपनी घर की तरफ निकल पड़े। घर के पास आते ही सब लोग उन पर हंसने लगे। एक बूढ़े आदमी ने उनके पास आकर पूछा, गधे को ऐसा उल्टा लटका के क्यों लेके जा रहे हो, वो लंगड़ा है क्या, क्या वो चल नहीं सकता? तभी उस आदमी ने रास्ते में हुआ पूरा किस्सा उसे सुनाया। तब वो बूढ़ा उनसे बोला, खुद की अकल का इस्तेमाल किए बिना लोगों के कहने पर चलोगे तो यही होगा, सब लोग तुम पर हंसेंगे। आप बिल्कुल सही हो चाचा, एक ही वक्त पर सभी को खुश करना नामुमकिन है। चूहों की सभा। एक बड़े से घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। उन सबकी जिंदगी हंसते खेलते मजे से गुजर रही थी। फिर एक दिन घर का मालिक एक बिल्ली ले आया। बिल्ली क्या आई, चूहों पर बहुत बड़ा संकट आ गिरा। वो बिल्ली बहुत डरावनी थी, उसे बहुत सारा दूध पीने के लिए मिलता था, फिर भी उसका मन भर ही नहीं रहा था। वो घंटों तक सोती थी और 3-4 चूहे खा जाती थी। ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तब चूहों ने उपाय ढूंढने के लिए एक सभा बुलाई। उसमें छोटे बड़े बहुत चूहे आए थे। हमें इस संकट से मुक्त होना ही पड़ेगा, दोस्तों सब लोग उपाय बताइए, हम उस बिल्ली को कैसे मारे या फिर उससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। बहुत देर तक वो आपस में ही बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा चूहा सामने आया। बिल्ली के गले में घंटी बांधने पर वो कहीं भी जाएगी तो घंटी की आवाज होगी और फिर हम हमारे बिल में भाग जाएंगे, चलेगा? सब चूहे तालियां बजाने लगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। ये छोटा सा उपाय सच में अच्छा है, अब हमारे खुशी के दिन वापस आएंगे, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए हमारी संकट से मुक्ति। इस छोटू ने हमारी समस्या हल कर दी,
हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। एक बूढ़ा चूहा कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। अरे मेरी बात सुनो, तुम एक बात भूल रहे हो। मुझे एक बताओ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सब चिंता में पड़ गए। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा? किसी में भी ये काम करने की हिम्मत नहीं थी। इतना जोखिम भरा काम भला कौन करने वाला था? सब चूहे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अचानक बिल्ली की आवाज आई और सब चूहे अपनी जान बचाने के लिए बिल में घुस गए। सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उसके अनुसार बर्ताव करना बहुत मुश्किल है।